बता रही हूँ ना, ये चलता है पूरी बोर्ड का, या जैसे ये आपका पूरा ग्रुप है। तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी जो कि हमको ले जाएगी कैंप के लोकेशन पे, जो कि है 7-8 किलोमीटर दूर। तो फिर चलते हैं और वहाँ पहुँच के बताता हूँ कैसा है। सो गाइज वी आर द कैंपिंग लोकेशन, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए और ये काफ़ी हाइट पे। हमें ऋषिकेश से यहाँ पे आने में कुछ 40 मिनट्स लगे, 7-8 किलोमीटर्स बता रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखो यार, बहुत क्या मस्त व्यू है। और यहाँ 4 बजे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो रात को क्या होगा यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, मज़ा आने वाला है। और ये वॉलीबॉल का नेट, गाइस अभी लंच टाइम हो गया है और खाना आ गया है। खाने में है रोटी, चावल, दाल, आलू की सब्जी और सलाद और अचार। तो अभी टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। खाना तो टेस्टी है। सो गाइज अभी मैंने खाना खा लिया है और खाने का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो बहुत ही अच्छा था। प्रॉपर खाना, दाल चावल राइस अचार सैलड सब कुछ था, पेट भी अच्छे से भर गया है। और गरम गरम रोटियां दे रहे तो बहुत ही अच्छा है। और अभी देखते हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, शायद वहाँ पे जाएंगे, लेट्स सी। गाइस अभी मैं आपको करने वाला हूँ मेरा टेंट एक्सप्लोर। तो ये रहा मेरा टेंट। यहाँ के टेंट में आप 2 बेड या 3 बेड लगा सकते हो एक टेंट में। और यहाँ पे दिया है पीलो, और ये है ब्लैंकेट जो कि काफ़ी मोटा है तो शायद इससे ठंड रुक जाए। और यहाँ पे है लाइट, लाइट दी गई है। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो चार्जिंग पॉइंट दिया है, काफ़ी अच्छा है, तो चार्ज भी कर सकते हो जैसे कि आप कैमरा ला रहे हो मेरे जैसा। बस फिर यही है टेंट। सो गाइज हमने ये वाला टेंट चूज़ किया है क्योंकि ऊपर वाली लाइन में भी टेंट है, पर यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे घूम सकते हो। और यहाँ पे ही बॉनफायर होने वाला है, तो फिर हमें बार बार नीचे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सही है ये वाला टेंट। सो गाइज आप यहाँ पे टाइम पास के लिए रैकेट भी खेल सकते हो, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। ये रहा वॉलीबॉल का नेट। और यार ऐसी वादियों में मस्त टाइम पास हो रहा है, मज़ा आ रहा है। गाइज यहाँ की जो वाइब है ना यार, बहुत ही सही है। मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, वादियाँ, चेयर, टेंट, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, जो आँखों से देखते हो ना यार वो बेस्ट रहता है। बहुत ही सही जगह है यार। सो गाइस शाम का नाश्ता आ गया है और उसमें चाय, पीनट्स, पापड़ और वही एक और कुछ है, तो फिर अभी खाते। सो गाइस डिनर आ चुका है और डिनर में है पनीर, चिकन, सलाद्स और रोटी, दाल, वो सब। तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है।
सो गाइज अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, मैंने ग्लव्स कैप सब जैकेट पहन लिया है और अभी टाइम में बॉनफायर का, लेट्स गो। गाइस अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट की है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने खुद ने 5 कपड़े पहन चुका हूँ तब जाके मुझे नॉर्मल फील हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि बाहर बहुत ख़तरनाक वाली ठंड है, तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, तो फिर मिलते हैं कल सुबह। सो गाइज आपको यहाँ की वॉशरूम फैसिलिटी दिखाता हूँ। सो ये है वॉशरूम, वॉशरूम तो सही है लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि 2-3 सेकेंड बाद हाथ फ्रीज हो जाते हैं ऐसा। सो गाइज ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में है भुर्जी, जैम ब्रेड, बटर ब्रेड, आलू का पराठा और ऑमलेट बस। सो गाइज हमने कैंप से चेकआउट कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, तो अभी नीचे जाना है 7 किलोमीटर्स, तो बहुत मज़ा आने वाला है, फिर चलते हैं।